गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसके अकाउंटेंसी क्लासेस। एसके अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से लाइव आ चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल ये नया आर्ट हम लेकर आए हैं। ओके ना, कमेंट्स करते रहिए। आप लोग के दिख नहीं रहे हैं कमेंट। कमेंट कमेंट, हाँ अब हमारे दूसरे फोन में नोटिफिकेशन आए हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके इस आर्ट को देख सके, समझ सके। और ये हमारी पेड क्लास है। ओके, नेहा गुप्ता जी वेलकम। लोग डिमांड थी कि सर आप बना के आ रहे हैं, कैसा बन के आएगा एक बार हमको आप दिखाइए। ओके, तो उसी लिए हम ये वाला आर्ट हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, और इस पर हमारा अभी काम चल रहा है। आपको बता रहे हैं कि ये हमारे काम अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, बस वैसे ही आप लोग के दिखाने के लिए हम आ गए हैं। सुमन मट्टा जी वेलकम, नेहा गुप्ता जी वेलकम, निशा अग्रवाल जी वेलकम, कौशल साहब वेलकम। तो ये जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोई बड़ा हार्ड वाला ये काम नहीं है। मैं आपके सामने ही कुछ करके मैं ये दिखाऊंगा कि इसको आप आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं। अर्चना जी वेलकम, गंगा जी वेलकम। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, उसके बाद हम इसको जूम आउट करेंगे। मिथिलेश मिश्रा जी वेलकम। अर्चना जी वेलकम। तो अब हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अनीता जी वेलकम, अनीता मंजूनाथ। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये जूम आउट, और हम यहां पे अब सामने आप लोग के सामने थोड़ा सा प्रकट हो जाते हैं। दूसरा वाला फोन लेकर के, ओके, आप लोग के कमेंट भी हम इधर से पढ़ते रहेंगे ना। हाँ आ गए आ गए, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। हाँ तो मेरा फोन गिर गया, लेकिन बच गया। मजबूत फोन होता है, इतना आसानी से टूटता नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे क्या। नजदीक से आप लोग को दिखेगा। हाँ अब ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। हाँ मनिंदर मोना जी वेलकम, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये है क्लोज सीन आर्ट है ये, इसका नाम ये बड़ी ही डिफिकल्ट वाला नाम है। ओके ना, ये देखिए ये हम इसको बना रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये मजबूती से चिपका नहीं है। आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास में ये नोज वाला प्लास है, हम इससे इस वायर को पकड़ करके आपके सामने हम उठा करके इसको बोर्ड को दिखा रहे हैं। ओके, ये देखिए इतना ये मजबूती से चिपका हुआ है कि ये बोर्ड भी है ना आसानी से उड़ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये काफी मजबूती से पकड़ा है। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके अब हम इसको चिपकाते हैं।
हाँ ये आर्ट हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए, और ये बाहर का आर्ट है और ये काफी अच्छा आर्ट है। ओके, और आपको बता रहे हैं कि ये मटेरियल आसानी से इंडिया में मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास में इसका ये वायर है, ओके ना, और इसकी जो टेक्निक है ना, सिर्फ हमारे पास आपको सीखने के लिए मिलेगी, और वो भी रियल टेक्निक। ओके, तो हम इसको चिपकाना शुरू करते हैं। इसमें हमने ग्लू कौन सा यूज किया है, आगे मटेरियल हमसे कौन सा यूज हम करेंगे, ये सब हम आने वाले टाइम में हम अपने क्लास में बताएंगे। इसकी वीडियो हम बना रहे हैं, ये पहली बात है क्या कि इसकी हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा ये देखिए, वायर का नाम क्या है, वायर को वायर ही बोलते हैं। अगर आप लोग हमसे ज्वाइन करते हैं तो इसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, मटेरियल चाहिए तो मटेरियल भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, मटेरियल भी आपको ये हम दे सकते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग हमसे इस आर्ट को सीख सके। वायर कहाँ मिलेगा, ये वायर हर आपको कहाँ मिलेगा ये हम आपको बता देंगे। ओके, ये सब आप हमारे क्लास ज्वाइन करने के बाद ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, और आपको बता रहे हैं कि बहुत से लोगों के हमारे पास में ये मैसेज आ रहा है कि ये आर्ट को करने के लिए क्या ग्लास पेंट की जरूरत है क्या। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई भी ग्लास पेंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, इसमें जो भी इस्तेमाल करेंगे वो हम बताएंगे अपने क्लास में। ओके, है बड़ी मजेदार ये आर्ट है ना, बहुत ही अच्छा है, और ये इतना भी ये टफ नहीं है कि आप लोग से नहीं बनेगा। ओके, ये हर कोई इसको आसानी से बना लेगा। इसकी फीस ज्यादा नहीं है, इसकी फीस मात्र 2000 रुपए है। इसमें हम दो आर्ट हम सिखा रहे हैं, ये एक आर्ट तो हम आपके सामने ये बना रहे हैं, इसकी ड्राइंग ये है। ओके, और एक अभी इसकी ड्राइंग और हमारी अभी कंप्लीट होने वाली है आने वाले टाइम में, वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आप 20 तारीख तक अगर ज्वाइन करते हैं, 20 मार्च तक, तो इसी फीस में आपको ये आर्ट सीखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इसकी फीस है ना बढ़ जाएगी। ओके, रियल टेक्निक से आपको ये सिखाया जाएगा। ये जिनको भी हमारा आर्ट ज्वाइन करना है ना, वो कृपया करके हमारे इसी ग्रुप में इसी वीडियो के साथ में लिंक हमने डाल रखे हैं इस आर्ट को सीखने वाले के लिए व्हाट्सएप का, तो आप लोग जुड़ करके हमसे और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके, ये अद्भुत आर्ट है। ओके, ये अद्भुत आर्ट है, मजेदार वाला आर्ट है, और आपको बता रहे हैं कि इसको करने के लिए, ये सब वायर आपको लगाने के लिए अगर आप लगातार 3-4 घंटा बैठते हैं ना, आसानी से लग जाता है। ओके, आसानी से लग जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको चिपकाने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, हमको भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि अरे बाप, इसको चिपकाने में इतना टाइम लगेगा। ओके, बट ऐसा नहीं है, और इसकी पूरी टेक्निक के बारे में हम अपने क्लास में बात करेंगे। और अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो ये आपको और आप कहां कहां बना सकते हैं ये सब हम बताएंगे। ओके, ये सब हम बताएंगे। ओके, तो आपके पास में मौका है इस आर्ट को करने के लिए, इस आर्ट को सीखने के लिए। ओके, मौका को हाथ से जाने ना दे, है कि नहीं। इस आर्ट की रिक्वायरमेंट लोगों की बहुत आ रही थी कि सर ये वाला आर्ट लेकर आइए, ये लेकर आइए सर जी, तो हम आप लोग के लिए फाइनली हम लेकर आ गए हैं, है ना। सर विच यू जी वायर, ये वायर ही है,
इसकी अंदर में अभी जो कलर है ना वो भी फील होगा, तो हम अपने क्लास में करेंगे। ये तो खैर आप लोग को दिखाने के लिए हम आ गए हैं कि देखिए हम इस चीज को लेकर के आ गए हैं, ओके, दिखाने के लिए लाए, ठीक है। और ये आर्ट सिर्फ अभी हमारे पास ही है और रियल टेक्निक से आपको सिखाया जाएगा, न कि जुगाड़बाजी वाला, ओके। और ये ड्राइंग भी हमारा ये अपना ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इंटरनेट से ड्राइंग को निकाला है और ये हम लगा रहे हैं, ओके। ये हमारा अपना डिजाइन है, ओके ना। और आपको बता रहे हैं कि इसमें बहुत से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, ओके, इसमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। प्रतिमा जी वेलकम। मोना यरला जी वेलकम। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा हाँ, ये मोना जी थी तो आते के साथ ही वीडियो शेयर करती हैं। एक तो सब्जेक्ट ये है जो आसान वाला है, इसमें डबल हंस है, ओके ना। इसकी कलरिंग होने के बाद ही आपको इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल देखने के लिए मिलेगी, ऐसे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है ना वो हम बना रहे हैं, फेस वाला वर्क है, उसमें फेस है, फूल है, एक उसमें है परी है, ओके, बहुत अच्छा है। और हम वही सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ही बनाइए, ओके, सबको ही बनाइए। इसकी दो पेंटिंग बनाई जाएगी, ये 18 इंच बाय 24 इंच का है ये, ओके, ये देख सकते हैं, ओके ना। ये देखिए अभी इसमें हमारा काम अभी हो रहा है और आपको बता रहे हैं कि इसकी हम वीडियो भी बना रहे हैं, ओके, इसकी ऑलरेडी वीडियो बन रही है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप ज्वाइन करते हैं तभी आप लाइव में भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी वीडियो हम आपको 20 तारीख के बाद से ही देना शुरू करेंगे, ओके, 20 तारीख के बाद से ही आपको वीडियो। चिपक गया अलका वर्मा जी वेलकम। ये देखिए ये वायर इतना ये वो है कि ये देखिए ये वायर टूट गया, ठीक है। ये बोर्ड कौन सा है ये तो आपको हमारे ये क्लास में ही आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये बोर्ड कौन सा मैंने इस्तेमाल किया है, ओके। अभी हमारे एक जानने वाले व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किए, ओके, और वो कांटेक्ट करने के बाद बोलते हैं कि सर इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे, इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और फिर बोलते हैं कहा सॉरी सर हम आपका क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बताइए, हाँ जी, मटेरियल अगर आपको नहीं मिलता है, वैसे तो आपको लिंक और लिस्ट हम आपको देंगे, नहीं मिलेगा तो हम आपको ये मटेरियल भी अरेंज आपको कर देंगे, ओके। तो यहां पे ऐसे से ये बुद्धिमान व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, ओके। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमारा स्केचिंग वाला क्लास है ना एक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अक्षय कुमार जी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए कितना सुंदर बना है, ओके। और इसको मैंने ही बनाया है, ये हमारे पेड क्लास में। अब इसके बाद अमिताभ बच्चन का नंबर है, अमिताभ बच्चन बनाना सिखाएंगे। जिनको भी स्केचिंग में अपना लाइफ बनाना है, फ्यूचर बनाना है,
तो ये हमारा हाइपर इलास्टिक पोर्ट्रेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वो क्योंकि एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया आर्ट आपको प्रोवाइड करवाता है, एक से बढ़ के एक। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर में वर्क कितना सुंदर हो रखा है। ओके, ये देखिए, और अगर इसको नजदीक अगर वो लेकर आते हैं, ये देखिए कितना सुंदर है ना। ओके ना, ये देखिए जितना नजदीक जाएंगे उतना ही ये सुंदर लगेगा, जितना नजदीक जाएंगे उतना ही ये सुंदर लगेगा। ओके, तो ये सिर्फ आपको हमारे पास ये आर्ट सीखने के लिए मिलता है, और जिनको ये कोर्स जो ज्वाइन करना है इसकी भी हमारे पास में लाइव क्लासेज है, इसकी चल रही है। ओके, इसकी लाइव क्लासेज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये क्लास हमारा 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, ये क्लास हमारा 20 तारीख तक एंड हो जाएगा। ओके, 20 तारीख तक ये क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग चाहें तो ये सब ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्केचिंग की लाइव आपको क्लासेज आपको मिल जाएगी। ओके, और इसकी आपको लाइव मिल ही रही है। ओके, तो आप ये कहीं से भी आर्ट सीखिए, अच्छे जो गुरु है ना उनसे आर्ट आप सीखिए, अच्छे जो नॉलेज वाले व्यक्ति है ना वहां से अगर आप सीखते हैं ना तो आपको अच्छा ज्ञान आपको मिलता है। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ये आर्ट आने वाले टाइम में धूम मचाने वाला है इंडिया में। ओके, इंडिया में धूम मचाने वाला है ये, जैसे ही हम ये आर्ट हम लेकर आए ना तो ऑनलाइन में ऐसे ऐसे दुष्ट लोग पड़े हुए हैं, उनको हम दुष्ट बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे पोस्टर का ही नकल मार दिया, हमारे पोस्टर निकाले और उसी को अपने अपने साथ में जोड़ के निकाल दिए। ओके, तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं यहां पे, नकल करने में नंबर वन है, बट वो नकल वो पोस्टर को कर सकते हैं, हुनर का नकल नहीं कर सकते हैं, है ना, हुनर का नकल नहीं कर सकते हैं वो। ओके, क्योंकि हुनर ही एक ऐसा चीज है जो चोरी नहीं होती है, ठीक है ना। और सब चोरी हो जाएगा बट हुनर चोरी नहीं होगा। हाँ, ऐसे कॉपी कट बहुत है, ठीक है, बहुत है, बहुत है। ओके, और आपको बता रहे हैं कि ये आर्ट इंडिया का नहीं है, बाहर का है, लेकिन हम इसको इंडियन मटेरियल से ही बनाएंगे और आपके सामने है, आने वाले टाइम में जब ये बन जाएगा ना तो आपको दिख जाएगा। ओके, सर कौन सा वायर यूज कर रहे हैं? हम ये वाला वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये वाला वायर हम यूज कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। वेलकम पूनम सिंह जी, आज विनर रही हैं, हमारे लक्की विनर हैं ये आज के, ये हाँ, मट्टा जी बोल रहे हैं कि आप तो सर्व कला संपूर्ण है। नहीं नहीं, हम अभी सीख ही रहे हैं, अभी हमारी यही होती है कि हम नए नए आर्ट हम सीखे, ठीक है, नए नए आर्ट को हम जाने। नकलची बंदर, हाँ जी, हाँ जी, नकलची बंदर यहाँ पे ढेर है।
हमारे पास में ये काटने वाला भी है, कट जाओ कट गया, ठीक है, और ये कटेगा थोड़ा, और मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन लेकर आए हैं, ओके। उस कंपटीशन में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने आर्ट को आगे बढ़ाइए, शौक पूरा कीजिए, तो ये जिनको भी ये क्लास ज्वाइन करना है 20 तारीख के पहले ज्वाइन कर ले, फीस ज्यादा नहीं है, ओके। और इसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है, ठीक, इसी वीडियो के साथ में इसका लिंक है। रचना जी आप एक इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल ही नहीं देंगे, वो क्योंकि ये हमारा ये पेड क्लास है, इच्छा हुआ था तो अभी हम आ गए। हाँ, ऑनलाइन क्लास है ये, ऑनलाइन ही क्लास है हमारे, वो जितने भी है ऑनलाइन क्लास है। आजकल के डेट में ऑनलाइन अभी सुपर हिट चल रहा है, ठीक है ना। ऑफलाइन के चक्कर में मत रहिए, ऑफलाइन में एक तो ज्यादा आपके आपके खर्च हो जाएंगे पैसे, और उसके बाद वहां जाना भी आपको पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे आप अपने टाइम के अनुसार आर्ट सीख सकते हैं, है ना, तो ये बेहतर है। तो इसीलिए हमें ऑनलाइन को बढ़ावा करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, और आगे हमने बढ़ा ही दिया है। कंपटीशन है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के हमने डाल रखा है, आप हमारे पेज पे जाएंगे तो एक वीडियो आपको दिख जाएगा ऑनलाइन कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी लाइव हम इसलिए आए हैं, लोगों को ये लग रहा था क्या कि ये सर जी इस क्लास को लेकर तो आ गए हैं, क्या इनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसी क्वेश्चन को दूर करने के लिए हम लाइव आ गए हैं। ज्योति मैडम का थोड़ा सा ये तबीयत खराब चल रहा है, ओके, आजकल हमारे टीम मेंबर को और हमको, वैसे हम मानते तो नहीं है, लग रहा है नजर लग गया है, अब हमें अपने लाइव में लिखना होगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। गुड इवनिंग प्रीति जी, प्रकाश कौर जी वेलकम। विनीता शर्मा जी वेलकम। तो हम चाह रहे हैं कि ये बात हम लिख दें, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बट हम इस चीज को मानते नहीं हैं। बट लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है सर, ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं है ऐसा होता है। मनिंदर मोना जी आपको बता रहे हैं, वीडियो चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, है तो वीडियो, ओके। और वैसे भी आप जब वीडियो देखते हैं तो ये नहीं कि आप उसी टाइम आप बनाएंगे, पहले वीडियो देखते हैं ना, तो आपके लिए वीडियो यहां पर पड़ा हुआ है, जब मर्जी हो तब वीडियो आप देखिए और बनाइए। तो रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव वीडियो के चक्कर में मत करिए, वीडियो आपको मिल रहा है वो परफेक्ट है ना।
विनीता रंजन जी वेलकम। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है कृपया करके वीडियो शेयर कर दें। ओके, जिन्होंने शेयर नहीं किया है कृपया करके वीडियो शेयर कर दें। अच्छा, होता है कभी कभी, तो लग रहा है कि हमारे साथ हुआ है क्या ऐसा? तो आपके पास में मौका है स्केचिंग सीखने का। आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे आर्ट हम लेकर आए हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्ट है, एक ही टाइप का नहीं है, अलग अलग टाइप का आर्ट है, तो आप लोग सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सर जी सबकी नजर उतारिए। तो मोना जी एक बार थोड़ा सा नजर उतारने का तरीका भी बता दीजिए। वायर मेरा इधर झुक गया। सभी का नजर उतार दीजिए। सर ये क्या है? विनीता रंजन जी ये बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये वायर है, ये ग्लू है, ये बोर्ड है और ये हम चिपका रहे हैं। खुशबू माथुर जी वेलकम, अनु माथुर जी वेलकम। अच्छा, मुट्ठी में नमक लेकर 7 बार सर से पांव तक नीचे ऊपर कर दीजिए और उसको फेंक दीजिए, ऐसा है? बट हमने सुना है क्या कि लोग मिर्च भी लेकर के ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं और उसको आग में डालते हैं, है ना? और आग में डालने के बाद उसकी अगर उसको क्या बोलते हैं, उसकी महक अगर नाकों तक पहुंच जाए तो जान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं हुआ है। अगर वो नाक तक नहीं आ रहा है तो जान जाइए कि इसी दुष्ट ने आपको आपके ऊपर में काम ये किया है, ठीक है? ये देखिए मैंने इसको चिपका देता हूं, देखिए कितना अच्छा से चिपक रहा है। हम अपने अपनी क्लास में इसको लगाने के अलग अलग ये टेक्निक हमने बताया है। ओके,
अभी हम आपको उठा के भी आपको दिखाएंगे, ओके, उठा के भी दिखाएंगे। एक बार आपको दिखाएं क्या उठा करके, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी ये काम हो रहा है, ओके। अब इसके अंदर भी सारे जो लीक, कंपटीशन का लीक ओपन नहीं हो रहा है, तो एक बार हम डाल दे क्या इधर, ये लीजिए हमने डाल दिया है, नहीं इसमें कोई वीडियो का लिंक आ गया है, ठीक है। तो ये अभी हमारा काम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जल्दी जल्दी फीस पे करके इस आर्ट को सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना फीस दिए हुए आप आर्ट नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज वाला 100 रुपये में 200 रुपये में लेकर आता है, ओके, ठीक है। हमारा फीस महंगा है लेकिन सबसे बेहतर है, ओके। अब आप लोग बताइए कि अगर आप लोग आर्ट सीख करके और आपको बोले कि इसकी फीस 100 रुपया रखी है, रखेंगे आप लोग बताइए, दिल से बताइए, क्या आप लोग रखना चाहेंगे? ये क्या है सर? ये पेंटिंग है जी, ये पेंटिंग है। फीस कितनी है इसकी? फीस ज्यादा नहीं है, 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 है, ज्यादा नहीं है। है ना? अब आप बताइए, ये वाला हमारा स्केचिंग की जो क्लास है, ये देखिए, ये पिछला महीना मैंने शुरू किया था, ठीक है, पिछला महीना से लेके एक महीना इसकी क्लास चली है, तब जाके ये अक्षय कुमार बना है, एक महीना होने के बाद, ओके, एक महीना इसमें टाइम लगाने के बाद, और इसकी रोज होती थी क्लासेस, ठीक है, तब जाके ये इतना अच्छा ये बना है। और स्टूडेंट लोग भी अच्छा बना रहे हैं, हमारे स्टूडेंट लोग भी अच्छा बना रहे हैं। तो आपको रियल टेक्निक सीखना है, अच्छा काम सीखना है, तो अच्छा फीस तो देना ही पड़ेगा, इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनको अपने आर्ट पे विश्वास होता है ना, वो फीस अच्छा रखते हैं, ठीक है। जिनको अपने आर्ट पर भरोसा नहीं है वो फीस रखते हैं कम, ठीक है। तो हमें अपने आर्ट पे ये पूरा भरोसा है। हंस कितना सुंदर बन रहा है, हाहा, इसकी जब कलरिंग हो जाएगी ना, दिल खुश हो जाएगा, हंस भी खुश हो जाएगा और हंस बनाने वाला है वो भी खुश हो जाएगा।
जिनको भी फीस के बारे में जानकारी चाहिए हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9891338339। ये नंबर है, ये इसको मैं कर देता हूं पिन, नहीं हो रहा है पिन, नहीं हो रहा है पिन, नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं होंगे पिन। ये ऑन नंबर है हमारा 9891338339, ये हमारा नंबर है। तो आपको हमारे पास में अब तक 40 से ज्यादा हमारा पेड क्लास है हम लेकर आ चुके हैं अलग अलग आर्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, जहां पे ऐसी हुई है बात है कि 100 रुपए 200 रुपए न लेकर के हमने ऐसे भी आर्ट हमने आपको फ्री में सिखाया है ना, फ्री में सीख लो। और अभी भी हम आप लोग के लिए डेमो क्लासेस हम लेकर आते ही रहते हैं, है ना। क्या बात है, ये हंस बड़ी सुंदर बनता है, हमको मजा आ रहा है करने में, खूब मजा आ रहा है, एकदम भालू बन रहा है। तो जिनको भी ये टेक्निक अगर सीखना है रियल में, विच बोर्ड यूज, संगीता जी ये हमारा थोड़ा सा ये सीक्रेट बात है कि ये बोर्ड कौन सा है, ओके, बोर्ड कौन सा है ये हमारा थोड़ा सा सीक्रेट बातें है। नीलम खंडलवाल जी वेलकम। इसमें हम वायर लगाने का दो टेक्निक हम बता रहे हैं, ओके ना, कि आप इस टेक्निक से लगा सकते हैं। और ये इतना हार्ड नहीं है, ये आसान है, आप 3-4 घंटे में ये आप लगा देंगे, 3-4 घंटे में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ओके। वंदना थोड़े जी आ गई हैं, इसका नाम बड़ी यूनिक है, है ना। और वंदना जी म्यूरल में काम करती हैं, क्या बात है। तो ये क्लास जिनको ज्वाइन करना है ना 20 तारीख के पहले ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बाद इसकी फीस जो है ना डबल हो जाना है बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए अभी मौका है, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और इस आर्ट को सीख लीजिए। इस आर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस आर्ट का आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं और ये आर्ट कहाँ कहाँ हो सकता है।
फीस संगीता जी इस वाले आर्ट का ज्यादा नहीं है, 2000 ही है। ओके 2000 है। लेकिन इसके बारे में एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, इसके मटेरियल थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है, उसका लिस्ट हम आपको दे देंगे, आप अपने आप भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी हम आपको लिंक भी दे देंगे, और ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है तो आपको हम भेज भी देंगे, ठीक है, उसी रेट में, वो क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल में आप लोग से पैसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फीस मिल गया वही हमारे लिए ढेर है। हा थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको काट देते हैं। इसके जो भी टेक्निक है ना, ये सब हम आपको बताएंगे, इसके ग्लू के बारे में बात करेंगे, चिपकाते कैसे हैं, ग्लू कौन सा है, इस्तेमाल कैसे करना है, टोटल चीज आपको बताया जाएगा। ओके कहाँ पे है, थोड़ा सा इधर है, छोटा सा कट कर लेते हैं इसको, अब ज्यादा वो चिपकाना नहीं है, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा, अभी लाइव एंड होने के बाद हम इसको फिर से एक घंटा और लगेगा, ये हमारा चिपक जाएगा। आपको बताया ना कि इसमें वो ज्यादा वो नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि ये इतना बड़ा चिपकाने में टाइम लगेगा, ज्यादा टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके फीस डिटेल के लिए आप जानना चाहते हैं ना, तो ये हम आपको एक व्हाट्सएप का लिंक हम आपको भेज रहे हैं। ओके लिंक कहाँ गया हमारा लिंक, उस लिंक को आप फॉलो कीजिए, और एक मिनट इधर से लिंक निकालते हैं, वैसे अच्छा नाम है लिंक, कॉपी हुआ नहीं हुआ कॉपी, इधर गम लग गया मुझे,
हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, लिंक हम कॉपी इधर से नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, कॉपी कर दिया कॉपी। नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा, तब तक वो नेटवर्क ठीक से काम करे तब तक मैं अपना भी काम करते रहूं। लोडिंग ले रहा है, दूसरा लेते हैं तब तक। अभी इसको हम आपको दिखाएंगे भी, ओके, आप लोग को दिखाएंगे भी। आ जाओ ये लीजिए, लिंक हम डाल रहे हैं, ये लिंक मैंने डाल दिया। श्रीन जी, हाँ ये मैंने डाल दिया और इसको हमने पिन भी कर दिया, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ये क्लो नोइस, इसका नाम बड़ी ही डिफरेंट है। पंपा राय जी वेलकम, हाँ, एक्सपेंसिव आर्ट तो है, हमने लिंक डाल दिया है, आप लिंक को ऐसे क्लिक कीजिए, बड़ी प्यार से ऐसे आप दबाएंगे ना सीधा हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आप अच्छा आर्ट को करने में अच्छा तो दाम भी लगता है और वक्त भी लगता है, ओके। बस एक दो और चिपकाना है, ज्यादा नहीं है, उसके बाद हम इसके फीचर के बारे में और आपसे बात करेंगे, ओके। परफेक्ट, सीधा आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया सीधा ही। अब बताइए, मैंने आपके सामने ही इसको चिपका दिया है, मेन इसकी टेक्निक है, मटेरियल है, ये आपको जानना जरूरी है, ओके। नहीं ये ग्लास नहीं है, ये बोर्ड है, ओके। व्हाट आर फॉर्म इज दिस सर, इस आर्ट को इंग्लिश में बोलते हैं, हम आपको स्पेलिंग आपको बोल देते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंस करने में अच्छे अच्छे का दम बाहर आ जाता है ना। सी एल ओ आई एस ओ डबल एन ई,
ठीक है। इसका हमने हेडिंग हमने लिख रखा है टोटल मटेरियल। इसमें आपको बताया ना कि जो पेंटिंग को बनाने के लिए 2.5 से 3 हजार रुपए के मटेरियल आपके लगेंगे, दो पेंटिंग को बनाने के लिए 2.5 से 3 हजार रुपए। और ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल आपका उसी में ही लग जाएगा, बच भी जाएगा। ओके, बच भी जाएगा। जिसका इस्तेमाल आप और कहीं भी कर सकते हैं। ममता त्रिपाठी जी आ गई हैं, वेलकम वेलकम। वायर सब मेरा गिर गया। लेकिन वायर और है, घबराने की कोई बात नहीं है। दीप्ति जवेरी जी वेलकम। सर क्या वेस पर किया जा सकता है? ये वेस की क्या बातें बोल रहे हैं? हम सब कुछ टेक्निक बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहां कहां आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही बातें हैं, हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, ठीक है। किसके किसके ऊपर में आर्ट आप ये बना सकते हैं, ये सब हम अपने क्लास में बता रहे हैं। ओके, वो क्योंकि यहां पे हमने बहुत से लोगों को देखा है जो आपसे वो पहले पूछते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मटेरियल के बारे में जानते हैं और फिर वो लास्ट में मैं बोलते हैं सॉरी सर हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे भी यहां पे गुणी लोग हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये क्लास पहले ज्वाइन कर लीजिए। इतना हम बोलते हैं कि ये टोटल मटेरियल आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये आया है, ये लीजिए। अब इसके अंदर में भी हमारे वर्क भी हो रहा है, ये देखिए। ओके, ये रखिए, अभी वर्क हमारा भी हो रहा है, ये कंप्लीट नहीं। इसमें रंग होगा, कलर होगा, है ना, और इसका कलर भी डिफरेंट होगा। ओके, इसमें कलर भी हम इम्बोज वाला कलर है ना, वो डालेंगे, चमकीला वाला। ओके, एक स्टूडेंट बोल रहे थे क्या सर इसमें ग्लास पेंट आप यूज करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हम कोई ग्लास पेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, वो क्योंकि ग्लास पेंट में पता है
लूट जाइएगा, इतना ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो फिर आप गाना गाएंगे, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको लाख करे इनकार, जीवन भर उनकी याद में हम गाते रहेंगे, है ना। ये पेंटिंग आप, ये जितना का पेंटिंग नहीं होगा उतना का मटेरियल आपका लग जाएगा। ओके, तो ये सब का हम आपको टेक्निक आपको बताएंगे कि आसान से मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, मिल जाएगा, चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया में नहीं है, है ना। इंडिया में है मटेरियल नहीं मिलता है, हमको फोन कीजिए, हम आपको मटेरियल आपके घर तक पहुंचा देंगे। ओके, ठीक है। हाँ, इतना हम बोल रहे हैं ना कि मटेरियल आपको मिल जाएगा। हम जितना भी जो अपने कोर्सेज हम लेकर आते हैं ना, उसमें हम एक बात का ख्याल रखते हैं, क्या ये मटेरियल आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, हाँ हाँ, इसको ज्वेलरी आर्ट, इससे इस वाले वायर से ज्वेलरी बहुत बनाया जाता है। ओके, मोना अरला जी ठीक बोल रही है, बट इसमें भी अलग अलग आर्ट आप बना सकते हैं। एक बार वो टेक्निक अगर आप जान लेते हैं ना, तो आप अपने बुद्धि से अच्छा अच्छा आर्ट इस मीडियम में आप बना सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड पे ही बनाएंगे, और कहाँ कहाँ बनाएंगे ये सब हम आपको बताएंगे। इसकी कलरिंग करने का तरीका आपको बताएंगे, ए टू जेड हर चीज आपको बताएंगे। और ये मटेरियल आपको बोलना है कि आसानी से मिल जाएगा। ओके, हम वही आर्ट लेकर आते हैं ये जिसका मटेरियल आसानी से हर जगह अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम आपको मटेरियल आपके घर तक आपको पहुंचा दें। ओके, तो इसीलिए हम ऐसा आर्ट हम लेकर आते हैं। ये देखिए कितना अच्छा आया है, अब बताइए। और जो डिजाइन वाली बात है ना, वो हम एक और इससे बड़ा साइज और इससे बढ़िया वाला डिजाइन बना रहे हैं। ये सिंपल सा है, बेसिक वाला है। ये बेसिक वाला इसलिए होता है ताकि आपको हाथ थोड़ा सा साफ हो जाए, हाथ आपके खुल जाए आर्ट को करने में। अब आप ये देखेंगे कि अक्षय जी हम जो बनाए हैं ये वाला। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग का स्केचिंग क्लास है। ओके, अब इसके बाद हम जो लेकर आ रहे हैं ना, वो अमिताभ बच्चन है, जो इससे ज्यादा टफ है, और इससे भी एक ज्यादा टफ है, वो है एक मॉडल का है। ओके, तो जो टीचर होते हैं ना, वो अपने हिसाब से वर्क करवाते हैं कि उनको स्टार्टिंग कहां से करना है, एंड कहां से करना है। अब एक ही बार हम आपको हार्ड ड्राइंग रख दे, है ना, आपको एबीसीडी आया नहीं, और एक ही बार बोल दे कि ये सेंटेंस पढ़ के आप सुनाइए, है ना, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम पहले आपको एबीसीडी से स्टार्ट करवाते हैं। एबीसीडी आ गया, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। तो ये अभी एबीसीडी है, ठीक है, उसके बाद आप इसका आगे का जो एडवांस वाला वो आप सीखेंगे। तो एडवांस का जो ड्राइंग है ना, वो इससे भी सुंदर बन रहा है, अच्छा बन रहा है। ओके, उसमें फूल है, एक है परी का फेस है, और आजू बाजू अच्छा सा डिजाइन है, बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फी आप लोग भर के आप इस क्लास को इनरोल कर लीजिए। इसकी आखिरी डेट है 20 मार्च, और इसकी जो वीडियो है आपको 10 अप्रैल से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। 10 अप्रैल से आपको इसको वीडियो हम दे देंगे, 10 अप्रैल से पहले हम ये सब वीडियो बना देंगे। वीडियो हम इसलिए दे रहे हैं वो, क्योंकि लाइव के लिए अभी मेरे पास में वक्त नहीं है, ठीक है ना, कि हम आपको एक टाइम बता दें कि रात को 8 बजे हम लाइव आएंगे, रात को 9 बजे आएंगे, और हमारी क्लास मिस हो जाए। हमारे आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है और वर्क ज्यादा है। ओके, तो इसलिए हम इसकी लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्ट का मतलब यह है कि जब हमको इच्छा हो रहा है, जब टाइम मिल रहा है, इसका वीडियो हम बना दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डिंग में मतलब नहीं है, हम तो सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग मानते हैं, वजह हम आपको बताते हैं। आप अगर लाइव भी वीडियो देखते हैं, चाहे हमारा चाहे किसी और का, आप उसी टाइम नहीं बनाते हैं,
या तो आप लाइव वीडियो देखेंगे या उस टाइम वर्क करेंगे, एक ही काम होगा ना। वर्क करेंगे तो लाइव वाला वीडियो देख नहीं पाएंगे, लाइव वाला पहले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो बात वही आ गया रिकॉर्डेड का। तो रिकॉर्डेड में एक बेनिफिट है कि आप अपने अनुसार जब आपको टाइम मिले आर्ट करने के लिए बैठ जाइए, और जहां पे आपको डाउट हो उसके लिए हम है ना, हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं सब अच्छे अच्छे आर्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा बनाया तो आप लोग हमारा आर्ट ही देख रहे हैं, आप लोग हमारे स्टूडेंट का भी आर्ट आप लोग देखते हैं। इसके लिए मैंने एसके आर्ट पॉइंट एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स लोग अपना आर्ट शेयर करते हैं। रोज एक आध स्टूडेंट एक न एक आर्ट उसमें डालते ही रहते हैं, इसलिए डालते हैं कि ताकि आप लोग को पता चले कि स्टूडेंट लोग भी इतना अच्छा बना रहे हैं, अच्छा बनाते हैं। अच्छा वजह यह है वो क्योंकि हम उनको अच्छा वीडियो बना के देते हैं। ओके, अच्छा जब वीडियो बना के देंगे अच्छा से आपको समझ में आएगा तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, लाइव आपसे बातें करना हीना जी वेलकम। तो ये सब है। ओके, तो आप लोग इस क्लास को ये ज्वाइन कर लीजिए, और आने वाले टाइम में हम आपको एक और बात आपको बता रहे हैं, लाइव वीडियो हम नहीं देंगे। ओके, और आने वाले टाइम में जो भी क्लास हम लेकर के आएंगे वो, क्योंकि मैं इस दो साल में मैंने सीखा है, देखा है कि एक आध हमारा क्लास है ना वो अभी भी अटका हुआ है, उसके बाद को अलग क्लास हमारा स्टार्ट हो गया, बीच में तबीयत खराब हो गया, लॉकडाउन हो गया है ना, तो ये सब दिक्कत होती है। तो आने वाले टाइम में जो भी क्लास हम लेकर आएंगे 5 दिन 10 दिन 15 ये दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और आप लोग देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, इसका ड्राइंग हल्का है लेकिन जो बड़ा वाला ड्राइंग है ना वो आपको कल परसों तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो काफी बड़ा है और अच्छा है। ओके, एक बार ऐसे, अब आपको बता रहे हैं कि इसमें हमें बनाना क्या है। ये देखिए, हमको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला पार्ट में ये यहाँ पे पानी बनेगा। ओके ना, यहाँ पे पानी बनेगा, ये जमीन बनेगा, ये आसमान बनेगा, और ये कुछ लीफ है ना, इसमें उसके फल बनाए जाएंगे, ये पत्ते हैं, यानी बनने के बाद वो काफी अच्छा लगेगा, बनने के बाद ये काफी अच्छा लगेगा। ओके ना, लेकिन ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके पास टाइम है 20 मार्च तक बस, और 10 अप्रैल तक इसकी वीडियो हम बना के डाल देंगे अपने ग्रुप में। ओके, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, और आप अब 20 तारीख के पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको उसी ग्रुप का लिंक भी दे देंगे। ओके, और उसमें आप अपना वीडियो देखिए, बनाइए, ये आप ही लोग के लिए तो हम ये आर्ट हम पे कराए हैं नया नया, और इसकी जो भी टेक्निक है सब आपको बताएंगे, और ये मटेरियल आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा। ओके, और हमारा ऑनलाइन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है, उसकी भी लास्ट डेट है 20 अप्रैल। ओके, 20 अप्रैल से पहले आपको जो इच्छा हो आर्ट आप बनाइए, चाहे ये आर्ट बनाइए चाहे कोई और आर्ट बनाइए, इसकी फीस है 2000 रुपए। ओके, 20 तारीख के पहले पहले, उसके बाद इसकी फीस डबल हो जाएगी। ओके, अंशुल सिंह जी वेलकम। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसीलिए हम लाइव आए थे कि ताकि आपको हम बता सके वो, क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे थे। और एक और बात हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये इतना मजबूती से चिपका है कि इस प्लास को हम लेते हैं और इसमें लगाते हैं और इसको उठाते हैं। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ओके, ये इतना ये मजबूती से पकड़ा हुआ है। ओके, ये बोर्ड का वजन लगभग में ये 2 किलो मान के चलिए इतना है, ठीक है, और 2 किलो का अगर ये 10 किलो का भी होगा तो उसको भी ये आसानी से उठा लेगा, क्योंकि ये इसका जो चिपकाने वाला ग्लू है ना वो काफी अच्छा है, मजबूत है। ओके,
इसकी टोटल टेक्निक आपको बताया जाएगा। वीडियो आपको एक साल के लिए दिया जाता है, एक साल तक के लिए वीडियो आपको दिया जा रहा है, इसलिए ताकि आप लोग एक साल के अंदर में आर्ट को बना लें, ठीक है। अगर एक साल में अगर आपका आर्ट नहीं बना तो आपका दो साल में भी नहीं बनेगा, ठीक है। और जो मटेरियल है, मटेरियल आपको आसानी से मिल जाएगा, मटेरियल का टोटल लिस्ट हम आपको दे देंगे, जो ऑनलाइन में मिलता है ऑनलाइन में और जो ऑफलाइन में मिलता है वो ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मिलता है तो हम आपको मटेरियल भेज भी देंगे। मटेरियल का कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं 2500 से 3000 रुपए के बीच में इसमें कॉस्ट आएगा ही आएगा, तो इतना आप बजट आप लेके चलिए, ठीक, इतना लगेगा वो। क्योंकि हम आपको बोल दें कि नहीं मटेरियल तो हमको 1000 रुपए का आया है, झूठ बोलने का फायदा नहीं है, ओके। मैं झूठ में नहीं बोलता हूं, जो सच है वही बताता हूं। आपको इच्छा हो, आपको उतना बजट बनता हो तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये आर्ट सीखने के बाद आप और भी आर्ट अच्छा कर पाएंगे वो, क्योंकि ये टेक्निक आपके पास में मिल जाएगा तो और अच्छा अच्छा बनाएंगे आर्ट। और फिर जब आप इसको अगर आप सिखाना भी चाहते हैं तो आप सिखा के ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम यही इसीलिए तो आर्ट आप लोग को सिखाते हैं कि ताकि आप लोग सीखिए। ये देखिए है ना, अभी ये सब इसके अंदर अभी बाकी है, जहां पे आपको ड्राइंग जो दिख रहा है ना ये भी बाकी है। जहां जहां पे ड्राइंग बाकी है ना, ये लाइन आपको व्हाइट जो दिख रहा है ना वहां पे भी करना बाकी है। ये अभी ये खाली खाली लग रहा है, वजह ये है वो क्योंकि इसके अंदर भी काम हो रहा है। जब इसमें कलरिंग हम स्टार्ट करेंगे ना तो भरा भरा लगेगा, ऊपर में आसमान, इधर ये घास वाले एरिया, इधर पानी, इधर हंस का रंग अलग हो जाएगा, इसका ये अलग हो जाएगा, तो इसमें गेटअप आ जाएगा। और ये जो हम जो ड्राइंग अभी हम जो बनाए हैं ना, ये आपके ये सहूलियत को लेकर के, ये जो लाइन आ रहा है ना लाइन सीधा सीधा कि ताकि ये इस वायर को आप आसानी से इसको हैंडल कर सके। एक बार आपका हाथ इसमें सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसमें जैसा भी मुड़ा हुआ वो आप आसानी से बना पाएंगे। और वो इसके बाद वाला जो है ना पेंटिंग उसमें है, उसमें वो काफी डिटेलिंग है, ये हंस के इस पंख की तरह, ओके, इस हंस की पंख की तरह ज्यादा वो डिटेलिंग है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखने के लिए मिलेंगे, है ना, ये सब मजबूती से चिपका हुआ है। तो और आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप लोग बताइए। इससे पहले हम इसका क्लास लिए थे अक्षय जी का, है ना, बताइए ये अक्षय जी कैसा बने हैं आप लोग बताइए तो थोड़ा। ये अक्षय जी हमारे हाइपर इलास्टिक में ये कैसा बने हैं आप लोग बताइए थोड़ा। इसके नजदीक जितना जाइएगा ना ये उतना ही सुंदर ये दिखेंगे। है ना, तो ये होता है एक अच्छा आर्ट। और आपको हमारे पास में हर तरह के आर्ट आपको सीखने के लिए मिलता है, हर तरह के आर्ट, एक ही आर्ट नहीं है ना, एक ही आर्ट नहीं है, हर तरह के आर्ट है, चाहे हाइपर रियलिस्टिक स्केचिंग हो, हाइपर रियलिस्टिक ऑयल पेंटिंग हो, एक रिलीफ पेंटिंग हो, लैंडस्केप हो, बुद्धा हो, म्यूरल हो, ट्री ऑफ लाइफ हो, तंजौर हो, मैं क्या बताऊं, इतने सारे आर्ट है ना, मैं नाम भी भूल रहा हूं, बाल कृष्णा हो, और अभी के डेट में इतने सारे काम है ना कि मैं थोड़ा सा मैं ज्यादा मैं बिजी चल रहा हूं। अभी इससे पहले वो हमारा उसका क्लास था, हाँ, तभी ये जो है ना ये हाइपर इलास्टिक का भी इसमें तीन पेंटिंग हम सिखा रहे हैं, एक तो ये है और कहाँ है मैडम जी आइए, उसके बाद ये रखा किए, इसके अंदर में काम तगड़ा है। इस वाले में सबसे ज्यादा तगड़ा काम है
और आपको बता रहे हैं कि हमारा ये तीनों जो कोर्स ज्वाइन करके इसको बनाता है ना, तो आने वाले टाइम में वो स्केचिंग का मास्टर बन सकता है। और ये लंबी क्लास चलने वाली है, लगभग है 3-4 महीना। तो एक महीना तो बीत गया, तो एक महीना में अक्षय जी भी तैयार हुए हैं, एक महीना अमिताभ बच्चन में भी लगेगा और इसमें 1.5-2 महीना टाइम लगेगा। ओके, वो क्योंकि इसमें हाइपर इलास्टिक ऐसा नहीं है, अगर हम ये बाल बना रहे हैं ना, ये बाल इस बाल को बनाने में आपको 4-5 दिन टाइम लग जाएगा, इस वाले बाल को बनाने में। अब बताइए, तो अच्छा अगर आर्ट आपको सीखना है ना, तो अच्छा फीस भी देना पड़ता है। फीस ज्यादा नहीं है, इसकी फीस 4,000 रुपया है, लेकिन अभी इसका फीस का भी डबल मैं करके डालने वाला हूं। ठीक है, अगर हम महीने का 1,000 रुपया या 2,000 रुपया ले रहे हैं तो ज्यादा नहीं है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इसके बाद ये भी है ना, ये भी है। तो आप बताइए कि ये तीनों हमको सिखाने में 3-4 महीना टाइम लग रहा है और 4,000 रुपया हम आपसे फीस ले लिया, तो मैंने इसमें इसे क्या हमने आपसे ज्यादा ले लिया, बताइए बोलिए। आप यही आर्ट अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप सीखने के लिए जाते हैं तो लाखों रुपए आपके लगते हैं, लाखों रुपए। ओके, और बड़ी बात यह है कि आपको घर बैठे आर्ट आपको सीखने के लिए मिल रहा है, घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन में ये संभव हुआ है कि आप कोई भी काम ऑनलाइन में कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में आप कर सकते हैं। सर ग्लास पर क्या है, जिगना जी बोल रहे हैं कि ये ग्लास हमने लगाया है, ये हमारा जो टेबल है ना इसके ऊपर मैंने ग्लास लगाया है। धीरे धीरे थोड़ा सा बदलाव जरूरी है कि नहीं, जिंदगी में बदलाव जरूरी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर में ये लगाया है। अगर इसके ऊपर में कोई चीज अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो हमारे आसपास के आजू बाजू का जो वो है ना वो दिख रहा होगा। ओके, तो जिंदगी में बदलाव जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए बदलाव करते रहिए। अभी पीछे में अच्छा से एक लोगो लगने वाला है, लाइट वाला एकदम बढ़िया सा। ओके, वो 20 तारीख के बाद आज आएगा, वो भी आपको लग जाएगा। तो बस धीरे धीरे होता है, एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है। अभी मैं अपने ऑफिस से लाइव हूं, तो ये सब है। हमको याद है कि ये पहली बार हम लाइव आए थे तो घर का टूटा फूटा जो टेबल था उसका मैंने इस्तेमाल मैंने किया था। उसके बाद हमने क्या किया कि 4x3 वाला जो प्लास्टिक का आता है टेबल वो लाया था, उसके बाद एक और बनवाया, फिर ये अभी हमने काउंटर बनवाया है ना। तो ये सब धीरे धीरे होता है, एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है। अगर आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे चलिए आगे बढ़ जाइएगा, स्पीड के चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि हमने इसमें जो भी पैसे लगाए हैं हम अपने पल्ले से लगाए हैं, हम ऑनलाइन के इनकम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर, किस पे बनाए हैं जिगना जी, इसके लिए ये क्लास आपको हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस पे हो सकता है। ठीक है, अंदाजा लगाइए कि ये किस पे हो सकता है। ओके, तो ये सब हम बातें हम अपने अपने क्लास में हम आपको बताएंगे, और मटेरियल के लिए घबराने वाला बात नहीं है, आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा, ये बोर्ड भी मिल जाएगा, और बोलिए ये बोर्ड भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो हमसे ज्वाइन कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे कि सर जी हमसे तो फीस ले रहे हैं और लोगों को फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, तो हमें आप लोगों को नाराज भी नहीं करना है। हाँ, तो जिंदगी में ये सब बातें हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि हम व्हाइट वाले कुर्सी पे आते थे लाइव, अब ये आ गया है ना, बट सब धीरे धीरे होता है जिंदगी में। हाँ, ये है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो जिंदगी में मैप पहले आप बना लीजिए। ठीक है ना,
या आपको इसी रास्ते में आपको वर्क करना है और उसके ऊपर में निरंतर काम कीजिए, चाहे वो मैप आपके बिजनेस का हो, सेल्समैन का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें अडिग होकर आपको चलना है, पीछे नहीं हटना है। चाहे स्टार्टिंग में आपको नुकसान हो तो भी घबराने वाला बात नहीं है, परेशानी है तो भी घबराने वाला बात नहीं है, ओके। उसी में आपको अपना बुद्धि लगाते आपको जाना है, उसी में आगे बढ़ते जाना है और धीरे धीरे सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। और हमें पता है कि मैं ऑनलाइन आया हूं ना, हम इसमें अभी बहुत आगे जाने वाले हैं, हमें पता है, इसीलिए अभी हम जम के मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा नहीं, 3-4 साल और मेहनत करेंगे ना, हमारे लिए सब आसान रहेगा, ओके। तो ये सब होता है एक रणनीति का हिस्सा, ठीक है। दीपा जी, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं यहां पे एक बार और नंबर मैं डाल देता हूं, ठीक है। ये व्हाट्सएप का लिंक हमने डाला है, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, ओके। उसी में हम आपको अकाउंट डिटेल जो भी है वो सब हम आपको बता देंगे। और बाकी आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, एक तो आपको ये तो मिल ही रहा है जो हम आपको बता रहे हैं, एक तो आपको ये तो मिल ही रहा है ना। एक ये आपको मिल रहा है और एक जो है ना उसके ऊपर में हम आपके सामने में वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। वो इससे बहुत ज्यादा सुंदर वो डिजाइन है, ओके। तो ये हुआ डिजाइन की बात, आपको टेक्निक सीखना है, उसके बाद जब आपको टेक्निक आ जाएगा तो आप अपने मर्जी से बनाइए ना, जो आपको इच्छा वो बनाइए, है कि नहीं। यहां पे आपको टेक्निक, मटेरियल ये सब आपको बताया जा रहा है। हम लाइव इसलिए इसको लेकर आए हैं वो, क्योंकि बहुत से लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर इसको बताएंगे कैसे, मटेरियल क्या है, ये क्या है, एक बार हम देखना चाहते हैं क्या आप इसको कर पाएंगे कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं ये आर्ट हमारे लिए पहला आर्ट है, ओके। लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो अच्छा जो गुणी व्यक्ति होता है ना उस फील्ड का, तो आर्ट देख के अपने एक्सपीरियंस से उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, तो वही हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग को बांटेंगे, बताएंगे कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। अगर आप लोग ये तो आपने अभी ये देखा कि मैंने इसको कैसे चिपकाया, इसमें ग्लू कौन सा है, बोर्ड कौन सा है ना, इसके बाद जो मटेरियल हम लगाएंगे, जो रंग लगाएंगे वो भी आपको पता नहीं है, बट यहां पे आपको फीस दे करके ये टोटल जानकारी आपको मिल रहा है कि नहीं। दीपा शर्मा जी, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बोलता हूं, हमारे जितने भी स्टूडेंट है वो उनका नाम हमको याद है, यहां तक कि उनके लोकेशन के बारे में भी पता है। दीपा शर्मा जी शायद आप यूपी से हैं, ओके। तो हमें इसकी जानकारी है, ऐसा बात नहीं है, नाम जैसे ही आता है हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये यहां के हैं, ये वहां के हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आर्ट को ज्वाइन कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, है ना। आप यूपी से हैं कि कहां से हैं बताइए, जहां तक हमको लग रहा है वो, क्योंकि हमारी याददाश्त है ना बहुत ही शार्प है इस मामले में। एक टाइम था कि हम जितने भी मोबाइल नंबर होते थे ना, हम मुझवानी याद हम करते थे। एक बार अगर कोई हमको कॉल अगर कर दिया और उसको नंबर को हमने ठीक से देख लिया, वो परमानेंट हमारे मेमोरी में फिक्स हो जाता था। अब खैर वो ट्रिक अपनाना मैंने छोड़ दिया है। हाँ अच्छा, ये दीपा सिंह जी यूपी से हैं, दीपा शर्मा जी कहाँ के हैं आप बताइए ना। अच्छा आप इंदौर से हैं, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, आप ब्यूटिशियन है शायद, हाँ याद आ गया, ब्यूटिशियन है दीपा जी, हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। अब ये मनिंदर मोना जुदिया है, ये यूएसए से हैं, ओके। इसी बात पे आप लोग अपना अपना नाम एक बार, हेलो आप
लिखते रह जाइए, मैं लोकेशन आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कौन सा पेंटिंग है सर? ये है जी, ये देखिए ना। हाँ हाँ हमें पता है, इंदौर एमपी में ही है ये, हम सिखाएंगे। हाँ दीपा स्तंभ का नाम याद आ गया, ब्यूटिशियन है ना, तो याद रहता है, ऐसा बात नहीं है। तो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में। अब कल प्रियंका जी आएगी लाइव, ओके, और वो लाइव आकर के आपको बताने वाली है कि ऑर्गेनिक रंग कैसे बनाते हैं, ओके। ऑर्गेनिक रंग, रंग होली वाला होता है ना, तो हम लोग होली वाला रंग जो मार्केट से हम जो खरीदते हैं ना, आंख में लग जाए तो आंख को नुकसान पहुंचा देता है, तो रंग कैसे बनाया जाता है वो आपको कल वाले लाइव में वो बताएंगे, ओके। और वो कल कितने बजे लाइव आएंगे आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये टेक्निक भी आपको जानना जरूरी है कि अपने घर पे ऑर्गेनिक तरीके से ये कैसे बनाए रंग को, ओके। तो वो रंग आपको बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी होली के लिए अपने द्वारा बनाए बनाया गया रंगों का इस्तेमाल कीजिए, रंग बना के अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कीजिए, ये देखिए मैंने रंग बनाया है, ओके, जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। हमें याद है कि हम जब छोटे थे तो होली जब खेलते थे तो लोग यहाँ पे हरा रंग, यहाँ पे नीला रंग ऐसे लगाते थे ना, पांच पांच दिन तक वो छूटता नहीं था, और ऊपर से भी इतने सब बदमाश होते थे, ऑयल के अंदर में रंग लगा करके लगा देते थे, ऑयल के अंदर में वो और मजबूती से पकड़ता था, है ना। तो जो स्किन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, इसके बारे में अब जानकारी मिली है कि ये यहाँ पे ऐसे से लगाने से नुकसान होता है ना। तो इसी नुकसान से बचने के लिए आप लोग को ऑर्गेनिक तरीके से अपने हाथों से रंग बनाइए और उसका होली में इस्तेमाल कीजिए, एक बार आप बनाइए तो मजा आएगा, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।